Example 5.5. Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure 5.6. Means, हमें figure 5.6 के अंदर यह दो अलग अलग cases दिखा रखे हैं. इन दोनों cases के अंदर दो billiard balls हैं जो बिल्कुल identical means एक जैसी हैं. First case में तो हमें दिखा रखा है कि यह ball सीधा स्ट्रेट इस दीवार को स्ट्राइक करके और स्ट्रेट ही वापस आ जाती है और बी केस में हमें दिखा रखा है कि यह बॉल किसी एंगल पे इस रिजिड बॉल को मींस इस फिक्स दीवार को स्ट्राइक करती है और उस एंगल के ऊपर ही वापस आ जाती है. दोनों ही केसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है. तो हमें इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यह बताना है कि बॉल के ऊपर दोनों बॉल्स की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और क्वेश्चन के बी पार्ट में मीन सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि दोनों ही बॉल्स का जो इंपल्स होगा उन इंपल्स की मैग्नीट्यूड की रेशियो क्या होगी. आइए हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. पहले हम केस ए को देख लेते हैं. केस ए में हमने एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम देखा तो यह एम इंटू यू था क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी. अगर हम एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम देखेंगे तो यह हमारे पास माइनस एम इंटू यू होगा क्योंकि u यहां पर नेगेटिव लेना होगा क्योंकि जब यह बॉल जा रही थी तो हमने x एक्सिस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेट कर लिया था बट यह बॉल जब इस बॉल को स्ट्राइक करके वापस आएगी तो यह अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इसलिए फाइनल वेलोसिटी को हमें नेगेटिव लेना होगा. तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा माइनस एम यू. यह तो x डायरेक्शन की बात थी. अब हम y डायरेक्शन में देखते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही वेलोसिटीज का कोई भी कंपोनेंट y डायरेक्शन में नहीं था इसीलिए y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों ही जीरो होंगे. तो हम देखेंगे x कंपोनेंट ऑफ इंपल्स आ जाएगा माइनस टू एम यू क्योंकि इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम. तो अगर हम देखेंगे x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो यह आ जाएगा माइनस एम यू और माइनस एम यू जो कि बन जाएगा माइनस टू एम यू. y कंपोनेंट ऑफ इंपल्स आ जाएगा जीरो. आगे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझते हैं. एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कहा गया है इस क्वेश्चन में हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोलिजन का टाइम इंटरवल गिवन नहीं है और आगे हम यह भी समझ सकते हैं कि इंपल्स और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम. टाइम तो स्केलर है मीन्स जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इंपल्स की होती है. यहां पर हम देख सकते हैं कि इस बॉल के अंदर इंपल्स माइनस टू एम यू आया. यह इंपल्स बॉल के अंदर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन बॉल की वेलोसिटी के लिए की थी. तो हम यह भी समझ सकते हैं कि बॉल के अंदर जो इंपल्स है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है मीन्स फोर्स भी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा. और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बॉल के अंदर फोर्स की डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं मीन इस दीवार के अंदर जो फोर्स होगा वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होगा मीन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा. आइए सिमिलरली अब हम बी पार्ट को भी समझ लेते हैं. जैसा कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इस 30 डिग्री एंगल पे दे रखी है तो हम इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेते हैं. एक कंपोनेंट तो यह वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और दूसरा कंपोनेंट टुवर्ड द वॉल होगा मीन्स दीवार की तरफ होगा. सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट तो फिर वही डाउनवर्ड होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा. और आइए अब हम सबसे पहले एक्स और वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम फाइंड करते हैं. जैसा कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कोस कंपोनेंट होगा सो एक्स एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू यू कोस 30. सिमिलरली वाई डायरेक्शन के अंदर इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू यू साइन 30 क्योंकि यहां पर वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड है मींस नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो यहां पर माइनस सिंबल आ गया. आइए सिमिलरली अब हम फाइनल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं. एक्स कंपोनेंट और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम यू कोस 30 क्योंकि यहां पर और कुछ भी चेंज नहीं हुआ. यहां पर हम देख सकते हैं थीटा भी वही है वेलोसिटी भी वही है यू वेलोसिटी से बॉडी आ रही थी और यू से ही जा रही है बट इस केस में जो एक्स कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया
मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गया, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया। आइए अब हम फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में फाइंड करते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड है, मीन्स नेगेटिव वाई की तरफ है। सो यहाँ पर फाइनल मोमेंटम आ गया माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। अब हम इम्पल्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। जैसा कि हमें पता है इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर हम यहाँ पर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो यह एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा माइनस टू एम यू कोस 30 डिग्री, और वाई कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स आ जाएगा जीरो, क्योंकि हम देख सकते हैं वाई कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम ये दोनों सेम थे, सो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, सो इम्पल्स भी जीरो होगा। आगे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझते हैं। फिर अगेन वही, यहां पर नेट इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल वह नेगेटिव आ रहा है, मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इम्पल्स की डायरेक्शन है, जो कि फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। यदि इस बॉल के ऊपर फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि बॉल के ऊपर फोर्स इस बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मींस इस बॉल के ऊपर फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। आइए अब हम क्वेश्चन का बी पार्ट सोल्व करते हैं, या हम कहीं सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दोनों ही केसेस के अंदर इम्पल्सिस निकाल के उन इम्पल्स की रेशो निकालनी थी। तो हमारे पास पहले वाले केस में इम्पल्स आया था 2mu, और इस वाले केस में नेट इम्पल्स आया है 2mu cos 30 डिग्री। हमें यहाँ पर साइन नहीं लेने, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड्स ऑफ इम्पल्सिस की रेशो बतानी है, ओनली मैग्नीट्यूड ही लेने हैं। तो इसे सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2/√3, जो कि अप्रोक्सीमेट 1/2 होता है। यही अपना आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।